झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम ले रहे हैं केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय। आइए शुरू करते हैं केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय। केदारनाथ जी का जन्म 1934 में उत्तर प्रदेश के एक चकिया नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बीए बनारस के महाविद्यालय से किया और एमए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। पीएचडी आधुनिक हिंदी कविता बिंब विधान का विकास विषय पर उन्होंने प्राप्त की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद से वे सेवानिवृत्त हुए और वे हिंदी की साठोत्री कविता धारा के विशिष्ट रचनाकार के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा है। सॉरी, उनकी रचनाएं हैं काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, यहां से देखो, अकाल में सारस, जमीन पक रही है और निबंध संग्रहों के नाम हैं मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत। उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। अकाल में सारस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें मिला है और मैथी शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान से वे नवाजे गए हैं। कुमारन आशान व्यास सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दयावती मोदी पुरस्कार भी केदारनाथ जी को दिया गया है। उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अगर हम विचार करें तो वे नई कविता धारा के वरिष्ठतम रचनाकार हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में संवेदना और विचार की उपस्थिति उन्हें सहज और भावपूर्ण बनाती है। सौंदर्य और प्रेम से मुक्त काव्य की उन्होंने रचना की है। तो यह था केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।